नदी चढ़ा के आया है और माई की चुनरी का पाठ बजाने वाली है। अब भैया सबसे पहले रोहित भैया पहले पूरा मंच खाली करा करेंगे। हाँ पूरा मंच खाली करेंगे। हाँ सब लोग करीब से बैठाइए क्योंकि हम 20-20 खेलते हैं, हमको टेस्ट खेलने आता नहीं है। हाँ और हमारे खेलने का मतलब है कि ग्राउंड क्लियर चाहिए। धक्का धक्का खाने तो बोल धक्का जाएगा। सबसे पहले मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए क्योंकि हम भले नेशनल इंटरनेशनल स्टार सुपरस्टार हो जाए कहीं जाए, बिना आपके बनाए हुए हमारी हिम्मत नहीं आगे चल सकती। तो आप मेरे बड़े भाई हैं, एक साउंड भाई के लिए ताली बजा दो मेरे भाई। आप भले आगे नीचे बैठते हैं लेकिन आप बहुत प्यारे हैं। अब जरा मुझे संभाल लीजिए। हेलो 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 जी हेलो, कहाँ माल रखल हो? हेलो हेलो साफ हुआ बना दो भाई। हेलो चीफ हेलो 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 चीफ हेलो, थोड़ा बेस कम कर साफ करके और हल्का डी बस बेस थोड़ा कम कर। हेलो 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 चीफ हेलो हेलो, मॉनिटर सब सही है? भाई मंच पे अभी कोई नहीं चाहिए, आप लोग उधर बैठ जाइए। हाँ एकदम आराम से बैठ के आनंद लीजिए ना, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आज देव दिवाली को पूरी दुनिया काशी में है, हम भाग्यशाली हैं कि हम प्यासी हैं। बस इतना ही फर्क है, वहां 100 बार नहाएंगे यहाँ 1 बार नहाएंगे तो तरल हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप सब तमाम गार्जियन सहित, बड़े तुल्य योग्य शिष्टाचार सहित, छोटे के प्यार शुभ आशीर्वाद, बड़े के चरण स्पर्श, माई बहन चाची जब भी बार गोड़ चुके गोड़ लगातार के समय को ताली बजा के छोटा छोटा आशीर्वाद। आज बहुत ही खास दिन था, एक कार्यक्रम में एक गंगा के किनारे, एक तट के किनारे, एक नदी के किनारे पावन धाम पे आई तमाम मीडिया सहकर्मी सहित मोबाइल से जितना भी लोग रिकॉर्डिंग करता अपना अपना मोबाइल में, आप सबके देव दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिनके बल पर हम दिन रात अपने घर में सोते हैं, जिन्होंने हमें न जाने कितनी सुरक्षा प्रदान की है, अपने जीवन का कण कण लगा देते हैं, उस वर्दीधारी प्रशासन के लिए ताली बजा के आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद दे दीजिए। सभी आए हुए गणमान्य पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उतना तारीफ नहीं कर सकते हैं एक व्यक्ति का, जिस व्यक्ति आज से 6 महीना पहले अपने घर पे बुलाता है, जिसका नाम निहाल मिश्रा है, रोहित मिश्रा है, बड़े भैया दाल भात चोखा चटनी अचार खिलाता है और ये कह के जाता है कि आज के बाद देवरिया यूपी में आपका घर है, आपको जब कहीं से भूख जाना होगा अपने प्यासी घर पे आ जाइएगा, क्योंकि राकेश मिश्रा प्यासी का बेटा है, कोई अभिनेता नहीं। और मैं आज उसी के कारण भैया आपके मंच पे आया हूँ, न कोई सर न कोई बाप न कोई पैर न कोई बेट न कोई रेट न कोई सेठ, बस एक लाइन था कि भाई प्यासी में पहला बार महोत्सव होता राकेश मिश्रा ही है का, मैंने एक ही लाइन बोला, जिस घर का दाल रोटी बेटा खा के गया हो उसके लिए पैसे बने रखता, हम इस गांव में आएंगे आएंगे मतलब आएंगे पर हम आपके पास हैं। धन्यवाद सुधी, तुम तो बहुत बहुत बड़ी सुपरस्टार हो, तुम मुंबई से जब आई और जब तुम एयरपोर्ट पे आकर मुझे फोन की कि हम आ गए हैं राकेश जी, तो मुझे लगा कि तुमने यार मेरा सब कुछ रख लिया, मान सम्मान सब कुछ। थैंक यू राधा और कोमल राहुल,
इन तीनों लोगों ने अपने काम को छोड़ के, इनका काम था आज शूटिंग थी, अपने शूटिंग को कैंसिल करके यहाँ आए हैं। एक ताली बजा दो यार, ये सभी कलाकार आपके लिए आए हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये तो नहीं बोलेंगे राधा कि तुमने, मैं इसका चुपचाप करूंगा, लेकिन इतना है कि तुम्हारा एक रिस्पेक्ट अलग मेरे दिल में भर गया है। थैंक यू सो मच दिल से। और हमारा एक मित्र आया है जिसको लोग आरती न्यूज के नाम से जानते हैं। कैमरा पर फोकस करो। अभी तुमको देखो एक बात समझा दे, हम है पंडित आदि, देख रहे हो एक भी लड़की मेरे आसपास है नहीं ना? अभी एक घंटा तक हमारे आस पास लड़की तब तक नहीं रहेगी जब तक वेद उच्चारण मंत्र का हम आवाहन करें, क्योंकि हम अपने संस्कृति, अपने धरोहर और अपने मान सम्मान से खिलवाड़ नहीं करते।